हेलो एवरीवन, शादी से हम आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर इस समय वैकेंसी दिवस के तरह ही इस समय का सिचुएशन चल रहा है। आपको पता ही है कि आए दिन कोई ना कोई वैकेंसी आई रहती है। डिप्लोमा और आईटीआई की यहाँ पे बात हो रही है, मतलब आईटीआई या डिप्लोमा के लिए, खासकर डिप्लोमा की यहाँ बात हो रही है कि यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई वैकेंसी देखने को मिल रही है। इस समय आप देखेंगे यूट्यूब पर, आप सर्च करिए लेटेस्ट रिक्रूटमेंट फॉर द जूनियर इंजीनियर, यहाँ पर बहुत सारी आपको वैकेंसी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी कि हाँ ये सब वैकेंसी आई। लेकिन वो सब वैकेंसी जो है कि स्मॉल कह लीजिए कि नंबर्स में आ रही है, इसका मतलब कि इस समय जो वैकेंसी आ रही है वो साइड वाली वैकेंसी हैं, छोटी छोटी नंबर्स में वैकेंसी आ रही हैं। लेकिन जो मेन वैकेंसी होती है जूनियर इंजीनियर के लिए, उसके कुछ ही सेक्शंस होते हैं या कुछ ही डिपार्टमेंट है जहाँ से कि नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा आती है और उसका बहुत ही बेसब्री से स्टूडेंट्स लोगों का को वेट रहता है कि नहीं ये वैकेंसी आएगी आएगी आएगी। लेकिन ऐसे में क्या हो जब आपका वो डिपार्टमेंट जहाँ से कि आपको वेट है कि वैकेंसी अब आने वाली है, वहां से वैकेंसी सभी के सभी कॉन्टैक्ट बेस पे आ जाए, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो आज की इस वीडियो हम लोग यही जानेंगे। देखिए, हम दो डिपार्टमेंट्स को यहाँ पर लेंगे और इस समय आप देख रहे हैं कि पिछले सात आठ महीनों से आप देखेंगे तो इस दो डिपार्टमेंट्स में आप देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही वैकेंसी आती जा रही है, जबकि ये दोनों डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छे डिपार्टमेंट है और बहुत ही लॉन्ग मतलब बड़े वाले डिपार्टमेंट है, यहाँ से नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बिहार पीसीएल, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी BSPCL, इसकी तरफ से आप देख रहे हैं कि पिछले 7-8 महीनों से सिर्फ और सिर्फ इंटरनल वैकेंसीज ही चल रही हैं और इंटरनल वैकेंसीज के साथ साथ अभी हाल ही में BSPCL के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा था, पूरा पेपर में कटआउट निकला था, इसको हम स्क्रीन पे यहाँ लगा भी दिए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। उन्होंने साफ साफ कहा था कि अभी बिहार पीसीएल में कोई भी रिक्त पद नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं आएगी। खैर, यहाँ पे वो तो नेता है, नेता कहते कुछ और है, होता कुछ और है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, मतलब जो भी स्टूडेंट्स है वो सभी स्टूडेंट जानते हैं, टीचर सभी जानते हैं कि नहीं यहाँ तो वैकेंसी रिक्त है, बहुत ज़्यादा पद खाली है बिहार पीसीएल में, क्योंकि पिछले 4 सालों से लगभग वैकेंसी नहीं आई है जेई की, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे वैकेंसी खाली नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल, मतलब ये तो इम्पॉसिबल है कि वैकेंसी ही नहीं है। देखिए, स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया है और उसमें एक और रीजन था कि वहाँ पे उन्होंने कहा था कि बहुत सारी फर्जी साइट से जहाँ पे की वैकेंसी दिखाई जा रही है, लेकिन उससे आप बचिए, फिलहाल में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में कोई भी रिक्त पद नहीं है। ऐसा उन्होंने शायद इसलिए कहा होगा कि लोग परेशान ना हो, यहाँ वहाँ जाकर अपना पैसा वेस्ट ना करें, कहीं धोखे में ना पड़ जाए, तो इस तरह से उन्होंने शायद कह दिया होगा। लेकिन पद रिक्त नहीं है, ये तो मतलब मानने वाली बात नहीं है कि इतने बड़े डिपार्टमेंट में पद नहीं खाली हो जहां की 4 साल से वैकेंसी ना आई हो। इस तरह से ये बातें थोड़ा सा अब विश्वसनीय लगती है, लेकिन फिर भी भाई प्रवक्ता है तो उनकी बात को थोड़ा सा हमको मानना तो पड़ेगा ही। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी जहां से कि वैकेंसी जितनी नंबर्स में आती थी जेई के लिए, इस समय वहां का अता पता चल नहीं रहा। इंटरनल वैकेंसी जोरों शोरों पर अभी हाल ही में लेटेस्ट इंटरनल वैकेंसी आई थी जिसका कि अपडेट हमने भी आपको दिया था इस चैनल पर, यहाँ आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो। 185 सीट आई है, उसमें जेई, इलेक्ट्रिकल, सिविल बहुत सारे पद हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर वैकेंसी जो है नहीं आ रही है और कहाँ कुछ और जा रहा है प्रवक्ता के माध्यम से। ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा वेट कराया जा रहा है स्टूडेंट लोगों को, जबकि 4 सालों से लगभग वैकेंसी नहीं आई है। ये जो डिपार्टमेंट है कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इंटरनल वैकेंसीज के थ्रू ही हो सकता है सीट को फिलअप कर लिया गया हो, जो भी हो, लेकिन यहाँ से सीट इस समय वैकेंसी जो आ नहीं रही है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं यह जो बड़ा फील्ड है जिसमें कि बेसब्री से स्टूडेंट लोगों को वेट रहता है, कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, दैट इज द RRB जेई की बात करेंगे। रेलवे में जो जेई की वैकेंसी आती है, वह जेई की वैकेंसी आप देख सकते हैं कि इस समय हर एक जोन में आप देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी जा रही है। अभी प्रयागराज जोन में वैकेंसी जारी है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर डिप्लोमा सिविल के लिए, यहाँ पर आप उसका नोटिफिकेशन का हम एक स्क्रीनशॉट लगा देंगे, आप देख लीजिए। आप अगर इसको नहीं देखें तो सरकारी जल पे जाकर चेक भी कर सकते हैं, वहाँ पे वैकेंसी शो हो रही है। और पिछले 7-8 महीनों से हम देखें तो हर एक जोन में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी आ रही आ रही आ रही। अब हमको समझ नहीं आ रहा कि RRB जेई करना क्या चाहता है भाई, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही सारी वैकेंसी निकालोगे, मेन वैकेंसी कब आएगी?
वेट कर करके लड़के परेशान हो गए हैं, पिछले 4 साल हो गया वैकेंसी आई हुई। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह जो दोनों डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स लोगों को परेशान कर रहा है, तो हमको ज़रूरत है कि हम थोड़ा सा जगे और एक्टिव हो जाएं। ट्विटर वगैरह पर थोड़ा सा आपको कंपेनिंग करने की जरूरत है, सो दैट कि वो जागे, सरकार जागे। हो सकता है कि यहाँ वैकेंसी आए, हम नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल कंडक्ट पे ही वैकेंसी आएगी, लेकिन पता नहीं कब आएगी, कोई फिक्स उसका नोटिफिकेशन तो है नहीं कोई सॉलिड। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ कंटेक्ट बेस पे वैकेंसी आ रही है, तो हमको हमको क्या करना है कि थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट पे रखना है, सो दैट ऐसा ना हो कि धीरे धीरे सरकार उसको कॉन्ट्रैक्ट पे ही सारा काम करते और हम लोग देखते रह जाएं। तो ज़रूरत है अपडेट रहने की, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि क्या किया जाए, कंपनी वगैरह चला जाए या फिर जो भी आप बताएंगे वही किया जाएगा। खैर, हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, हमको जो समझ में आया कि भाई देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा, तो हमने तो वीडियो बना दी। आप उस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज़ अपना भी राय बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या करना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से आप अगर कुछ मतलब अलर्ट होना है, हमको ही अलर्ट होना होगा, तभी जा करके कुछ होगा। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को अगर देखे हैं तो ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि एक्चुअल में करना क्या चाहिए। और सबसे बड़ा या कह लीजिए सबसे आसान चीज़ होती है ट्विटर कंपेनिंग करना ही, ट्विटर पे ही अगर कंपेनिंग किया जाए तो वहीं से कुछ हो सकता है। सो आप बताइएगा क्या करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये दोनों जो देखिए डिपार्टमेंट है ना, बहुत ही लॉन्ग डिपार्टमेंट, बहुत ही बड़े डिपार्टमेंट है, यहाँ से वैकेंसी आती है तो नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है। सो हमको ज़रूरत है कि यहाँ से वैकेंसी किसी तरह रिलीज हो। तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझेंगे और अपना राय देंगे कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है, चलिए इस वीडियो का करते खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम। आप इस चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, अगर कोई अपडेट आता है तो तुरंत आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। सो चलिए वीडियो करते खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।